हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आज सुशासन दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। और हम लोगों ने जो काम किए हैं और उन काम में स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ, एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम लोगों ने काम किए, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में निकाय चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ने की कतार में हैं, सब लोगों को संतुष्ट करना जो है मुश्किल है, किस तरह की प्लानिंग है? 27 तारीख में माननीय न्यायालय का इसमें कुछ आदेश आएगा और जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग जो भी कोर्ट का आदेश होगा पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और प्रत्याशी बाकी काम हमारा सब कंप्लीट है, केवल प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि से हम जो हमारी प्रक्रिया है चुनाव की उसका पालन करते हुए और बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में जाएंगे। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है, आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, राहुल गांधी को कोई देश में अब नोट संज्ञान लेता नहीं, राहुल गांधी को और राहुल गांधी जिस भारत जोड़ने या तोड़ने की यात्रा लेके चल रहे हैं वो उस भारत का विभाजन उसके बाद तो 47 के बाद तो कभी हुआ नहीं। भारत टूटने का काम उनके दादाजी के समय ही हुआ था जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब देश बने। तो अखंड भारत की अगर वो बात करते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा ढाका से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से और कराची से करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, स्वागत है उनका, लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच में रखने का अधिकार है और जनता उस पर निर्णय लेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है अध्यक्ष जी कि धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित है, चिंतनीय है और बुरी नीयत से धर्म परिवर्तन कराना ही गलत है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए हमारे देश में एक कानून है और कानून के अनुसार ही व्यवस्था आगे बढ़ेगी। सर, निकाय चुनाव को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी कामयाबी आपको मिलेगी? नहीं, पिछली बार 16 नगर निगम थे, हम 14 में जीते थे, 2 हार गए, 200 नगर पालिकाएँ हैं, 550 नगर पंचायत। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर सभासद, चेयरमैन और मेयर का चुनाव हमेशा लड़ती है और मुझे विश्वास है कि पूर्व की भांति अच्छे राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे।